खगड़िया में ठेकेदार से 2 लाख की छिनतई। बैग से पैसे निकालकर घर जा रहे थे पति पत्नी। बाइक सवार ने महिला से बैग छीनने के दौरान किया घायल। समस्तीपुर में जहरीली शराब से 2 की मौत की आशंका। शादी में पी थी शराब, अगले दिन बिगड़ी तबीयत, एक शख्स का इलाज जारी। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल पर कार्रवाई की तैयारी, रिपोर्ट का किया जा रहा अध्ययन। रद्द हो सकती है अस्पताल की मान्यता, पीड़ितों से मिले उप मुख्यमंत्री। समस्तीपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती, सभी बदमाश बाइक से फरार। आरा में आरजेडी के पूर्व विधायक सरोज यादव अरेस्ट, पत्नी के लिए रात में कर रहे थे चुनाव प्रचार, थाना पर पहुंच रहे राजद समर्थक। बिहार आए 4,600 विदेशी, 50% से ज्यादा लापता, हर विदेशी यात्री से खतरा, इसलिए सभी 38 जिलों में तलाश जारी। बीजेपी जेडीयू नेताओं के बयान पर तेजस्वी का सरकार पर हमला, नेता प्रतिपक्ष बोले जनता द्वारा ठुकराई सरकार पर जमीन, बालू और दारू ही मुख्य कारोबार। शराब ने डॉक्टर इंजीनियर को पहुंचाया हवालात, दुबई का इंजीनियर पटना में शराब के साथ पकड़ाया, कंकड़बाग में आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर गिरफ्तार। पिता के पटना पहुंचते ही फंदे से झूल गया बेटा, पलामू के लेक्चरर का बेटा करता था इंजीनियरिंग की तैयारी, मानसिक रूप से चल रहा था परेशान। मोतिहारी के एक्साइज सुपरिटेंडेंट के ठिकानों पर एसबीयू की रेड, शराब माफियाओं का साथ दे रहे थे, पटना मोतिहारी और खगड़िया में चल रही छापेमारी। छपरा में जिस बेटी के शव की शिनाख्त की, वह जिंदा लौटी, अफेयर होने पर परिवार ने कराई थी दूसरी जगह शादी, दहेज उत्पीड़न का केस किया था। अब देवघर और पटना एम्स की कमान एक हाथ में, देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वर्षनीय को पटना एम्स का प्रभार। औरंगाबाद में डिपो मैनेजर के घर से 8 लाख की चोरी, बहन की शादी में परिवार के साथ गए थे, पड़ोस की महिला पर लगाया आरोप। बिहार लोक सेवा आयोग ने 23 जनवरी को होने वाली 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की स्थगित। गया के विष्णु मंदिर से निकलेगी भगवान राम की बारात, पिछले साल नहीं हो सका था आयोजन, इस बार विधि विधान से होगी शादी।